सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव पार्ट पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मद भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म। ये महात्म आप ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित दो पुत्रियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी बड़ी जो खड्डा बना हुआ था, गहरा खड्डे में गिर गया। गिरने पर वह कुतिया के हाथ नहीं आया। और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की साया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वश नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता की 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वश मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसकी जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। वो खरगोश का जीवन कुछ सेंस था। वो हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई वहां आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप, अति सुंदर रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। दिव्य विमान पर बैठकर वो भी स्वर्गलोक में चली गई। उन दोनों के पूर्व जन्म के बेर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे थे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञान ही हीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए हमको।
हम इसकी कथा सुनने के लिए शिष्य ने कहा भूपाल इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जब किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त किए हैं। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूं। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूं। महाराष्ट्र में पर्युदत्त दक नामक महान नगर है। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्य में अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वो सत्संग विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। इसी के साथ ये श्री मद्भागवत गीता के 14वें अध्याय का महत्व संपन्न होता है। जय श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आपने हमारे YouTube चैनल लाइफ आर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।